बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज 1.6 एक सेकेंड ये एक्सरसाइज कलर भी चेंज कर लूँ मैं। एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। उसमें ये है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर्स बताएं भी और उनको हमने ग्राफ पेपर पे बनाना है। पहला वाला है 1-4। मैंने ये ग्राफ पेपर एक तरह से एक्सेल में बनाया हुआ है। एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, और ये स्क्वेयर्स मेरा एक एक है, एक स्केल का एक यूनिट है। ठीक है, तो 1 और -4, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो एक्स 1 यूनिट, तो एक्स में 1 यूनिट इधर चला, ठीक है, और मेरा वाई -4 है तो नीचे को चला 1 यूनिट, 2, 3, 4, तो ये पॉइंट आ गया 1-4 का। आपको असूलन तौर पर ना यहाँ ऐसे करके लिखना चाहिए 1, 2। मेरे पास जगह ज़रा कम है, चले मैं लिख ही देता हूँ छोटा छोटा करके। इसी तरह आपको ग्राफ पेपर पे जो भी आपका स्केल होगा ना, वहाँ पे आप ऐसे करके लेबल करना पड़ेगा, -3, -4, ऐसे करके आपने सारा लेबल करना है। नीचे भी इसी तरह -1, -2, -3, -4। देखिए -4 और ये 1 इनका क्रॉस भी आ गया ना। ये अगला वाला पॉइंट है -2, -5। एक्स -2 है तो -2 इधर आ गया, और वाई -5 है तो नीचे को 5 यूनिट, 1, 2, 3, 4, 5, -2, -5। और इसको अगर आप लेबल करें तो ये -5, -6, मैं ज़रा लेबल कर देता हूँ आपको बताने के लिए। ये देखिए -2 और ये -5, इधर भी कर देते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगला वाला है 0, 6। एक्स 0 है, यानी कि एक्स ना इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा, इसी पॉइंट पर रहेगा, ठीक है, आपने मूव नहीं करना, ठीक है, और वाई 6 और पॉजिटिव है तो ऊपर को चलेगा यूनिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका 0 और 6 आ गया। अगला वाला है -11 और 8। एक्स -11 तक जाएगा तो ये -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, ये -11 आ गया और 8, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 से करते -11 तक पहुंच गए। अब आपने 8 पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है तो ऊपर 8 यूनिट चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखें, और ये देखें यहाँ पे ये 8 को ही मिलता है, तो -11 और 8, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अगला वाला 7 और 3। एक्स 7, ये 7 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और वाई 3 है तो 1, 2, 3, 7 और 3। अगला वाला है -9, ये सॉरी 7 और 3 मैं लिख दूँ। अगला वाला है -9 और 0। एक्स -9 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और 0, यानी कि वाई की मैंने मूव नहीं करना, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, थी यही पॉइंट होगा -9 और 0, ये वाला पॉइंट। अगला वाला है 3, 3। एक्स 3 है ना, 1, 2, 3, वाई भी 3 है पॉजिटिव, 1, 2, 3, ये 3, 3, ठीक है, और लास्ट वाला है -5 और -5। एक्स -5 है तो ये एक्स -5, वाई भी -5 है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ये मेरा पॉइंट है -5, -5। तो आपके सारे के सारे पॉइंट्स इस पे आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। उसमें है
पी जो है वो ऐसे तमाम एक्स का सेट है जबकि एक्स जो है ना वो जी है, इंटीजर्स है। मैं डबल चेक करूँ, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, जी इंटीजर्स ही आते हैं ना जी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस 1। सही है दांत, ठीक है। और -3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है एक से, तो ये क्या सेट बन गया, एक्स -3 से बड़ा है तो -2 -1 0, और एक्स छोटा है एक से तो 0 तक ही रुक जाएगा। और आर क्या है, तमाम ऐसे एक्स का सेट जबकि एक्स है ना वो होल नंबर्स हैं, यानी कि होल नंबर्स को कहते हैं मुकम्मल आदाद जी, 0 1 2 3 मुकम्मल। और 5 छोटा है या बराबर एक्स के और एक्स छोटा है बराबर है 7 के, तो ये क्या आएंगे, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आएगा और 7 भी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि पी इंटू आर निकालना, वो क्या होगा, और आर इंटू पी भी निकालना बाय द वे। पी इंटू आर क्या होगा, -2 पहले लेके फिर इसके सबके साथ बना लें ऑर्डर स्पेयर्स, ठीक है। अब -1 को ले लें, दूसरे को इसके साथ बनाएं, ठीक है। अब आखिरी वाला ले लें 0, फिर 5 के साथ, 0 को 6 के साथ, 0 को 7 के साथ। अब आर इंटू पी करेंगे तो वो क्या होगा, पहले आर के लेंगे 5 ले लें, फिर तीनों के साथ बनाएं, -2 5 -1 5 0। अब 6 ले लें, 6 -2 6 -1 6 0। आगे क्या है, 7 ले लें, 7 -2 7 -1 7 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सवाल में ये कहते हैं कि इन सबको आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है। कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मुझे मेरा ख्याल है कि बंद करके नया खोलना पड़ेगा, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ फिर दोबारा शुरू कर। तो मैं अब ये करने लगा हूँ कि क्योंकि मेरे पास वहाँ से इनको कॉपी करना मुश्किल है, तो मैं बुक का या आंसर वाली जो है ना वो बुक एंड में जो आंसर है वो खोलने लगा हूँ, वहाँ से मैं पॉइंट्स पढ़ता जाऊँगा और बनाता जाऊँगा। तो ये हमने एक थोड़े से पहले सवालों में इनको इस्तेमाल किया था, ये उसी तरह ये मेरा एक यूनिट है, ये जो लाइनें लगी हुई हैं एक्स वाई एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो पॉइंट है -2 और 5, तो ये -2 होगा ना, ये साइड पे आपको याद रखिएगा, बल्कि मैं ना लिख देता हूँ -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, -2 5, -2 और 5, 1 2 3 4 5, -2 और 5। अगला है -2 और 6, तो यही -2 और इसके ऊपर एक ले ले, -2 6। अगला है -2 7, ओ मुझे पता नहीं था ये वाला पॉइंट -2 7 होगा, -2 7। अगला है -1 और 5,
माइनस वन फाइव वन टू, कलर चेंज करता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, ये है माइनस वन फाइव, माइनस वन सिक्स, ये होगा माइनस वन सिक्स, अगला है माइनस वन सेवन, तो ये होगा माइनस वन सेवन, अगला है ज़ीरो फाइव, एक्स ज़ीरो है फाइव, ले जी ये वाला फाइव, कलर चेंज कर लेता हूँ, ज़ीरो फाइव, अगला है ज़ीरो सिक्स, तो इसी के ऊपर एक्स ज़ीरो है वाई सिक्स है, तो ये ज़ीरो सिक्स आ गया, अगला ज़ीरो सेवन, ज़ीरो सेवन, आगे है ये हमने पी इंटू आर मैंने अभी कवर किया है, पी इंटू आर, अब मैं आर इंटू पी कवर करने लगा हूँ, फाइव माइनस टू, वन टू थ्री फोर फाइव माइनस टू, ये फाइव माइनस टू, फिर फाइव माइनस वन, तो यही फाइव और ये माइनस वन, फाइव माइनस वन, और आगे फाइव ज़ीरो, फाइव ज़ीरो, सिक्स माइनस टू, सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स माइनस टू, ये पॉइंट, सिक्स माइनस टू, सिक्स माइनस वन, ये सिक्स माइनस वन, ये यहाँ से यहाँ तक सिक्स, नीचे एक पॉइंट माइनस वन, और उसके बाद सिक्स ज़ीरो, तो इधर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ज़ीरो यानी कि वाई ज़ीरो तो इसके ऊपर ही आएगा, इस लाइन के ऊपर वाई ज़ीरो है, इस लाइन के ऊपर एक्स ज़ीरो है, तो ये सिक्स ज़ीरो आ गया, आ गया सेवन माइनस टू, खिचड़ी सी पकती जा रही है, सेवन एक्स सेवन है तो यहाँ पे सेवन माइनस टू होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन माइनस टू, सेवन माइनस वन से एक पॉइंट ऊपर आ जाएगा, वो एक एक तरह से एक तरतीब सी बन रही है, और सेवन ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये नौ पॉइंट्स इकट्ठे हैं और इधर नौ पॉइंट्स इकट्ठे हैं, तो इसके साथ ही ये जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई 1.6। इंशाल्लाह अगले वीडियो से अगला टॉपिक शुरू करेंगे 1.7। अस्सलाम वालेकुम।